तो गाइस आज हम करने वाले हैं एक्टिवा 125 का कार्पोरेटर साफ। तो गाइस काफ़ी टाइम से ऐसे ही खड़ी है, तो हमें काफ़ी टाइम से इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमने सोचा इसके कार्पोरेटर में कचरा वगैरह आ गया होगा, तो इसका कार्पोरेटर चेक करते हैं। तो खोल रहे हैं अभी फिलहाल। जो है जो हमारी यह एक्टिवा बिल्कुल खुल चुकी है ऊपर से, तो आपको दिखाते हैं अंदर से कैसी हालत है इसकी। तो देख सकते हो आप कितनी जो अंदर डस्ट वगैरह हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वगैरह जमी है अंदर। तो वैसे आपको स्टार्ट करके बता देते हैं, जो है स्टार्ट नहीं हो रही काफ़ी टाइम से, जो बैटरी भी इसकी है वो डेड हो चुकी है। तो अब आपको किक वगैरह लगा के दिखाते हैं इसकी, तो काफ़ी टाइम से हम किक वगैरह भी लगा रहे हैं तो स्टार्ट नहीं हो रही है ये काफ़ी टाइम से। तो देख सकते हो आप, तो इसका कार्पोरेटर खोल के चेक करते हैं अब, कार्पोरेटर में कचरा होगा। तो बस इसका कार्पोरेटर जो है खुल चुका है, तो देख सकते हो आप इसकी हालत कैसी हो चुकी है। बस इसे अच्छे से पेट्रोल से वॉश करते हैं पहले बाहर से, फिर अंदर से भी खोल के करेंगे वॉश से अच्छे से, फिर जो है इसका कचरा क्लीन हो जाएगा। तो बाहर से तो लगभग हो ही गया साहब, तो अंदर से खोल के भी दिखा देते हैं आपको इसकी कैसी हालत है इसकी। तो वैसे नीचे पेट्रोल में देख ही सकते हो आप कितना जो है कचरा इसको आ गया है, देख सकते हो आप कितना कचरा है। इसी वजह से हमारी जो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो आप इसे घर पर ही ऐसे साफ़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसे अब साफ़ करके जो है फिट करेंगे अंदर। तो वैसे अच्छे तरीके से हमारा जो है कार्पोरेटर है जो क्लीन हो चुका है अंदर और बाहर से दोनों ओर से, तो वैसे अब इसे जो है फिट कर देते हैं। इसमें जो है नट वगैरह लगा रहे हैं अभी। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो बिल्कुल क्लीन कर दिया है हमने, दो तीन बार इसे जो वॉश किया है पेट्रोल से। तो गाइस बिल्कुल अच्छे से तरीके से साफ हो चुका है जैसा देख सकते हो आप, तो अब इसे फिट कर देते हैं। तो बस अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है हमने इसे, तो अब इसे जो फिट करेंगे, तो फिट कर रहे हैं अभी। तो देख सकते हो आप बिल्कुल जो है हमने
अच्छे से साफ़ कर दिया ऐसे अंदर और बाहर से, जिससे कि अभी जो है उम्मीद है कि हमारी स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप भी करना चाहो तो घर पर ही बिल्कुल आसानी से आप ऐसे कार्बोरेटर को साफ़ कर सकते हो। तो बस अब जो है वैसे तो फिट हो चुका है, तो इसका जो है सामान दोबारा ऐसे लगा देते हैं। तो अब थोड़ी देर में हमारी जो है स्कूटी का कार्बोरेटर बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आपके लिए ऐसी ऐसी जो है वीडियो लेकर आते रहते हैं हम। तो पहले जो हमारी वीडियो थी ज़्यादातर स्प्लेंडर पर आती थी, तो बहुत सारे भाइयों को हमें कमेंट आ रहे थे कि जो एक्टिवा पर वीडियो लेकर आई जाए, तो हम एक्टिवा पर जो आज वीडियो लेकर आए हैं। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट में बताएं, तो आपका जो रिप्लाई दे देंगे। तो बाकी बने रहे वीडियो में। तो वैसे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम और भी थी, जैसे कि जो है इसके टैंकी में भी थोड़ा कचरा है, तो उसे भी जो है अगले ब्लॉग में हम जो है साफ़ करेंगे। तो फ़िलहाल तो हमने जो है कार्बोरेटर में ही जो कचरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताया कार्बोरेटर कैसे साफ़ करें, तो अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे जो इसकी जो टैंकी वगैरह में जो आ जाता है पेट्रोल टैंक में कचरा आ जाता है, तो उसे कैसे साफ़ करें। तो उसे भी आप घर पर ही बिल्कुल आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए जो एक दो दिन तक वीडियो लेकर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें। तो गाइस हमारे जो सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कम्प्लीट करा दें, 1000 हो जाएँ हमारे सब्सक्राइबर। तो अभी 300+ हो चुके हैं। तो वैसे मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ।